मुंबई के एक मॉल में चल रहे अस्पताल में आग लगने से कोविड-19 के 11 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 70 अन्य मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि आग मॉल में नीचे से ऊपर की ओर फैली। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरत के हिसाब से राज्य में कोरोना अस्पताल बनाए गए थे, ये अस्पताल उन्हीं में से एक था। जान गंवाने वालों में वो मरीज शामिल है जो वेंटिलेटर पे थे। टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाजत दी क्योंकि देनी पड़ी, फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाजत देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी, आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, दो चार दिन पहले ये दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है, उन्होंने 11 से ज्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा है कि ड्रीम्स मॉल के पहले तल पर आग लगी थी, न कि अस्पताल में। धुआं ऊपर तल पर स्थित अस्पताल तक पहुंच गया था, वहां पर पहले से ही दो शव पड़े थे। इनकी मृत्यु कोरोना से हुई थी, आग लगने से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। बयान में कहा गया कि अस्पताल प्रशासन ने इसे लेकर अधिकारियों से बात की है और आग लगने के कारणों का पता लगाने का अनुरोध किया है। वहीं बीएमसी ने भी इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। बीएमसी ने बताया कि पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने आग लगने का कारण जानने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और शुक्रवार को काफी खोजबीन भी की गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से आग भड़क गई। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मियों ने मरीजों को बाहर निकाल लिया और उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। डीएसपी प्रशांत कदम ने बताया कि घटना में 10 लोगों की मौत हुई है। आग मॉल के पहले फ्लोर पर लगी थी। यहां पर एक कोविड अस्पताल चलाया जा रहा था जिसमें 76 मरीज भर्ती थे।